आज 1000 से ज़्यादा घरों के अंदर शहनाई गूंजने वाली है और सभी बैंकेट हॉल फुल है, सभी मैरिज पैलेस बुक किए हुए हैं, लोग भर भर के सोना खरीद रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर की, वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। सराफा बाज़ार के अंदर तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। लेकिन आखिरकार आज के दिन ऐसा क्या है कि इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर लोग खरीदारी कर रहे हैं? क्या दिवाली है? तो आपको बता देते हैं जी, नहीं, आप सभी को पता है कि आज दिवाली नहीं है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है और गर्मियों के सीज़न के अंदर दिवाली आ ही नहीं सकती। लेकिन उससे भी एक बड़ा दिन है जो साल के अंदर सिर्फ एक ही बार आता है और वो दिन है अक्षय तृतीया का, जिसे सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अन्य दिनों की अगर बात की जाए तो अन्य दिन मुहूर्त देखे जाते हैं कि कौन सा दिन कौन सा मुहूर्त सबसे ज़्यादा सटीक और सही है, लेकिन अक्षय तृतीया एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हज़ारों की संख्या के अंदर शादियाँ इस दिन होती हैं। आखिरकार क्या है इस दिन की मान्यता? तो इस वक्त हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, मुझे ये बताइए कि अगर अक्षय तृतीया की बात की जाए तो अक्षय तृतीया के दिन के अंदर ऐसा क्या होता है कि सबसे ज़्यादा शादियाँ यहीं होती हैं? अक्षय तृतीया जिस प्रकार से देवों में सर्वदेव महादेव कहलाए हैं, उसी प्रकार से मुहूर्तों में अक्षय तृतीया सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपने सबसे सर्वोच्च शिखर पर, अपने सर्वश्रेष्ठ पावर में होते हैं। इसी कारण से इस दिन कोई भी किया हुआ कार्य, दान पुण्य से लेके, विवाह से लेके, वाहन खरीदने से लेके, सोना चांदी खरीदने तक का कोई भी कार्य किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब है कभी ना घटने वाला। इस दिन किया हुआ दान पुण्य वो 7 जन्म तक साथ निभाता है, अनेक जन्मों तक वो उसका प्राप्त फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से इस दिन आया हुआ सोना वो साल भर सोना आने के लिए रास्ता बनाता है। इस दिन व्हीकल या वाहन कोई भी खरीदा जाए तो वो वाहन साल भर तक घर में सुख शांति और बरकत लाता है। ये धन की देवी लक्ष्मी देवी का ये दिन माना गया है। इसी प्रकार से इस दिन कई ऐसी बेहतरीन चीज़ें, जैसे कि त्रेता युग इसी दिन पूर्ण हुआ था, महाभारत का युद्ध इसी दिन पूर्ण हुआ था, इसी दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसी दिन हयग्रीव भगवान का जन्म हुआ था, इसी दिन आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्त्रोत की रचना की थी, और इसी दिन बांके बिहारी जी के वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणारविंद के दर्शन कराए जाते हैं, साल भर वो ढके रहते हैं। इसी दिन बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं। इसी दिन कई ऐसी शुभ घटनाएं हैं, परशुराम जी का जन्म, नरनारायण जी का जन्म, इस तरह के कई मतलब अच्छे दिन, अच्छी चीज़ें हैं। और इसी दिन में ग्रीष्म ऋतु आज के दिन ही प्रारंभ होती है, उससे पहले पतझड़ होती हैं, और आज पहला दिन है, त्रेता युग का भी पहला दिन है। तो इस प्रकार से इसी कारण से अक्षय ना घटने वाला का महत्व होने के कारण से अक्षय तृतीया, क्योंकि पक्षों में शुक्ल पक्ष श्रेष्ठ हैं, मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ हैं, और उसमें भी फिर तृतीया तिथि में चंद्रमा अपने सबसे उच्च पावर में हर मास हर महीने होता है, लेकिन अक्षय तृतीया पे चंद्रमा भी और सूर्य भी अपने सर्वोच्च शिखर पे होने के कारण से, अगर बात की जाए सोना चांदी की, तो इस दिन सराफा बाजार के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, लोग सोना खरीद करके जाते हैं। तो क्या इस दिन सिर्फ सोना खरीदा जाता है या फिर अन्य धातुएं भी खरीदी जाती हैं, और साथ के अंदर क्या चांदी भी खरीदा जाता है? इसके अंदर अकेले सोने का महत्व नहीं है, आप हीरे से लेके, मोती से लेके, चांदी से लेके कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ जिसमें कि बार बार उसके आने से आपकी खुशी बढ़े, क्योंकि ये हर प्रकार की सुख शांति और बरकत का प्रतीक है, और इस मुहूर्त पे लाई हुई चीज़ वो साल भर सुख शांति खुशहाली की बरकत करती हैं। तो इसी कारण से सोना चांदी वाहन मकान दुकान, कोई भी रोजगार शुरू करना, कोई भी संस्था शुरू करना, इस प्रकार के हर कार्य के लिए, विवाह शादी के लिए, हर चीज़ के लिए, क्योंकि इस दिन किया हुआ विवाह वो हमेशा कई जन्मों के लिए टिकाऊ माना जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए विवाह की, तो आज हिसार के अंदर भी सारे मैरिज हॉल बैंकेट हॉल सभी बुक कर दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए अक्षय तृतीया की, तो इस दिन बाल विवाह भी सबसे ज़्यादा करवाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस दिन अगर किसी भी उम्र के अंदर विवाह करवाया जाए तो क्या ज़्यादा अच्छा चलता है, लोगों की क्या मान्यता रहती है? ऐसा बाल विवाह का प्रचलन हमारे बुजुर्गों में
मुसलमानों और अंग्रेजों के कारण से आया, क्योंकि जैसे ही कोई विवाह योग्य युवती होती तो उसको वो उठा ले जाते जबरदस्ती से कैसे भी। इस कारण से कच्ची उम्र में ही उनका विवाह करना प्रारंभ करा, जिससे कि आगे कोई नुकसान ना हो। लेकिन आज के समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इस कारण से बाल विवाह का पूरा खंडन करने के साथ में, और ये चीज़ कहेंगे बाल विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया खुशहाली और बरकत का प्रतीक है, और इस दिन किया हुआ कार्य वो हमेशा के लिए टिकता है। तो इस दिन कोई अच्छा कार्य करेंगे तो उसका लाभ जन्म जन्मांतर को मिलेगा, और अगर इस दिन कोई पाप कर्म करेंगे तो उसका भी नुकसान जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया को जितना हो सके अच्छे कार्य में, चाहे किसी की सहायता में, चाहे किसी की हेल्प में, चाहे किसी को कुछ भी खुशी देने में, इसका यूज, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अक्षय तृतीया की अगर बात की जाए तो इस दिन क्या कोई सटीक शुभ मुहूर्त भी होता है या पूरा दिन ही शुभ रहता है? ऐसा है, इसके अंदर जैसे आज के दिन 7:49 से लेके और 4 घंटे का ये मुहूर्त है, और वैसे अक्षय तृतीया का दोपहर का मुहूर्त सोना खरीदने के लिए सबसे बेस्ट गिना गया है, और विवाह का जो मुहूर्त है वो रात्रि काल का, संध्या काल का और रात्रि काल का सबसे श्रेष्ठ गिना गया है। क्या पूरे साल के अंदर एक ही बार अक्षय तृतीया आती है? अक्षय तृतीया का मतलब ये है कि पतझड़ खत्म होके ग्रीष्म की शुरुआत। इसके इस दिन प्रकृति हर प्रकार की चीज़ों की बरकत करनी शुरू कर देती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च होने के कारण से, तो इसी कारण से ये साल में एक ही दिन आता है। तो लगभग कितने सालों से अक्षय तृतीया की मान्यता हमारे यहाँ मानी जाती है? सनातन से यानी कि वर्षों पुरानी अक्षय तृतीया की मान्यता है, करोड़ों साल पुरानी। महाभारत काल में भी द्रौपदी को जो चावल का पात्र, अक्षय पात्र जो दिया था सूर्य देव ने, वो इसी दिन दिया था। इसके अलावा महाभारत भी जो पूर्ण हुआ था वो इसी दिन हुआ था। तो अक्षय तृतीया के दिन क्या कोई ऐसे भगवान है जिनकी पूजा की जाती है? सभी भगवानों की पूजा होती है इस दिन में। लक्ष्मी नारायण जी का, हयग्रीव भगवान का, परशुराम भगवान का, इनका पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हाँ जी, ठीक है। अगर अक्षय तृतीया की बात की जाए तो क्या अगर यहाँ मंदिरों की बात की जाए तो क्या लोग कोई चढ़ावा चढ़ाने भी आते हैं? ऐसा है, अक्षय तृतीया का जो विशेष प्रचलन है पूर्ण रूप से वो दक्षिण भारत में है। इस दिन दक्षिण भारत के अंदर छोटी छोटी कन्याएं वो गौरी की पूजा करती हैं, परशुराम जी की पूजा करती हैं, क्योंकि परशुराम जी अकेले पूरे संपूर्ण सनातन में अकेले ऐसे व्यक्ति हुए जो जन्म से ब्राह्मण थे, कर्म से क्षत्रिय थे। और इसी प्रकार से दक्षिण भारत में अक्षय तृतीया का महत्व विशेष ज़्यादा है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने अन्नपूर्णा स्त्रोत का इसी दिन निर्माण किया था, और इसी के साथ में दक्षिण भारत के जो चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुए संपूर्ण भारत के, जिनका कि दक्षिण में विशेष प्रचलन था, तो उनका भी इसी दिन राज्याभिषेक हुआ था। क्या अगर इस दिन की बात की जाए तो कोई व्रत भी रखे जाते हैं? हाँ, इस दिन गौरी का व्रत, इस दिन अक्षय तृतीया का व्रत, आखा तीज भी बोलते हैं जिसे, इसका व्रत रखा जाता है। ठीक है, अगर पूरे साल की बात की जाए तो क्या ये दिवाली के मुहूर्त से भी शुभ माना जाता है? ये निश्चित रूप से दिवाली के मुहूर्त से भी बेहतरीन है। कारण ये है कि दिवाली के आसपास का मुहूर्त वो केवल लक्ष्मी देवी का है, लेकिन यहाँ पर हर प्रकार के सूर्य से लेके चंद्रमा तक, और साथ में त्रेता युग पूर्ण होने से लेके और लक्ष्मी नारायण जी से संबंधित, परशुराम जी से संबंधित को कई विशेष संयोग इसी दिन आके मिलते हैं। तो आपको बता देते हैं, आज 22 अप्रैल की तारीख है जिस दिन अक्षय तृतीया का दिन है, जिसे बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण और बेहद ज़्यादा शुभ माना जाता है। वहीं अगर बात की जाए अक्षय तृतीया की, आज के बाद ये मुहूर्त जो है वो अगले साल ही जाकर के आएगा। पंडित जी, क्या कुछ ऐसा भी होता है कि इतने सालों के अंदर अक्षय तृतीया के ऊपर और भी ज़्यादा शुभ मुहूर्त किसी दिन दिखाई देता हो? ऐसे अक्षय तृतीया ये ग्रह नक्षत्र के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि हर मास में शुक्ल पक्ष सबसे बेहतरीन है, मासों में बैसाख मास सबसे बेहतरीन है, और तिथियों में तृतीया तिथि सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से उच्च का होता है। लेकिन अक्षय तृतीया पे सूर्य भी और चंद्रमा भी दोनों उच्चतम शिखर पे होते हैं। क्या किसी का कोई दोष होता है या फिर किसी का कोई बीमारी होती है, वो भी ऐसा कुछ होता है कि ठीक हो जाता है?
ऐसा है, इस दिन चाहे कोई चीज़ लाई जाए, चाहे वो दवाई क्यों ना हो, तो वो हमेशा हमेशा के लिए लाभदायक हो जाती है। यानी कि या तो दवाई आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी बताइए। बद्रीनारायण भगवान का सत्तू का भोग लगाया जाता है, ठीक है, उससे कई बीमारियां जो निकल जाती है आज के दिन। अच्छा, आज के अष्टक, ठीक है। आपको बता देते हैं, काफ़ी सारे भोग भी इस दिन लगाए जाते हैं। अगर कोई कष्ट निवारण करना हो तो उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं, नियम अपनाए जाते हैं। कई लोग जो है इस दिन व्रत भी रखते हैं, कई शुभ कार्य भी करते हैं। कहा जाता है और मान्यता भी है कि इस दिन जितना अगर हम दूसरों को देंगे वो 10 गुना बढ़ चढ़ के हमें मिलेगा। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और अक्षय तृतीया के ऊपर आपकी क्या मान्यता है और आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट आगे भी आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे, अलग अलग दिन की क्या अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहती है। नमस्कार।